दम लगा के हरीशा, दम लगा के हरीशा, दम लगा के हरीशा। वाह भैया, यह तो कमाल ही हो गया। वाह भैया, यह तो कमाल ही हो गया। अब तो मतलब हमारे घरों में पेयजल आएगा। हाँ भैया, अब पानी के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ेगा और हमारा कितना समय बचेगा। यह सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। वो गांव के विकास में कितना सोचते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, उनके द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन ही तो आज गांव गांव में पेयजल पहुंचा रहा है। ये गांव में क्या हो रहा है वंदे, किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है, लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? मुझे भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, देखो घनश्याम चाचा भी इधर ही आ रहे हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। प्रणाम घनश्याम चाचा। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक हैं घनश्याम चाचा। चाचा, ये गांव में किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है? हाँ, और जल जीवन मिशन क्या है भला? जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के सहारे हमारे गांव में भी हर घर में नल के जरिए स्वच्छ पेयजल मिलेगा। हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए ना घनश्याम चाचा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ध्यान से सुनो। जल जीवन मिशन का आरंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया। इस मिशन का लक्ष्य भारत के हर गांव में नागरिकों तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाना और जल स्वच्छता को बढ़ावा देना था। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी नागरिकों तक पीने के लिए स्वच्छ जल की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है, सुखी रहो में जन है। जल नहीं ये जीवन दान है। आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का यह अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। हमारे देश में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल का अभाव है। एक सर्वे के अनुसार 50% से अधिक की ग्रामीण आबादी पानी की समस्याओं से जूझ रही है। पानी प्राप्त करने के लिए उन्हें या तो जल टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है या फिर मीलों पैदल चलना पड़ता है। यही कारण है कि जल जीवन मिशन को बनाते समय भारत के गांव, देहात और दुर्गम क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है। सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य जल के लिए प्रतिदिन 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रदान करने के अलावा मिशन ग्रे वाटर प्रबंधन की योजना बनाकर और जल बजट में इसके समावेश के लिए एक सर्कुलर जल प्रणाली स्थापित करने के लिए एक सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है। पहले हैंड पंप खराब हो जाते थे तो नहीं मिलता था पानी। बड़े मेरे में नल पहले लगा था तो उसमें बहुत परेशानी आ रहा था। हैंड पंप था वो, टेनने में दिक्कत हो जाता, बिगड़ रहा था वो। अब सूर्य प्लेट लग गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है, पानी ठीक दे रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार 31 मार्च 2019 के बाद से अभी तक 18.33% ग्रामीण परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। कुल मिलाकर 17.87 करोड़
ग्रामीण परिवारों में से 3.27 करोड़ परिवारों को पानी की कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों तक पानी की व्यवस्था पाइपों के माध्यम से हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चाचा, इस मिशन से हमारे जम्मू और कश्मीर को क्या क्या लाभ मिलेगा? हाँ रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ नन्ही। जल जीवन मिशन और जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने 27 से 31 दिसंबर 2020 तक श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और गंदरबल जिलों को कवर करते हुए संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्र में जल संबंधी कार्यों का जायजा लेना और पंचायत प्रतिनिधियों को उनके उत्तरदायित्व से अवगत कराना था। बता दें कि जम्मू एवं कश्मीर में कई स्थानों पर हाल ही में पंचायत चुनाव करवाए गए हैं। पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए सदस्यों के साथ पानी समिति, ग्राम जल और स्वच्छता समिति के गठन के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया है, ताकि समुदाय को उनकी वर्तमान आवश्यकता के आधार पर ग्राम कार्य योजना को अद्यतन करने के लिए जुटाया जा सके। अस्थायी आबादी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वे गांव के विकास की योजना पर विचार करके जनसंख्या अनुमान का मसौदा तैयार करते हैं। जम्मू व कश्मीर में राज्य जल और स्वच्छता मिशन नव निर्वाचित पंचायती राज सदस्यों के कामकाज में सहायता करने के लिए ISA की नियुक्ति कर रही है। प्रयोग स्थानों पर जल परीक्षण के लिए फील्ड परीक्षण किट खरीद की जा रही है। पानी नहीं था तो इस वक्त ये वाटर प्रूफ जो मिला है हमें पानी, तो इसके हवाले से ये बात है कि हमको यहाँ पानी घर वालों को नहीं था, बच्चों को मुंह धोने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। तो इस वक्त हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये पानी का इंतज़ाम दिया। यहाँ चले कलान होता है तो हर गांव में यहाँ मतलब किलर में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो यहाँ के पाइपें वो जाम हो जाती थी, वो कहीं जगह पे पुरानी थी, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। अब जो यहाँ नए पाइपें बिछारे, नए लाइन बिछारे, ये तो जम जाती थी। अब तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। भारत सरकार जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रयोगशालाओं की NABL मान्यता प्राथमिक आधार पर ले रही है, जहां 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज प्रदान की गई है, वहां PHED ने जल मशीन मिशन कार्य संबंधी दिशा निर्देशों के तहत अधिदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों को O&M सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है। स्थानीय संसाधनों के रूप में राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर का परीक्षण दिया जा रहा है, ताकि रोजगार दिया जा सके और विकास के कामों को अंजाम देकर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सके। ग्राम कार्य योजना तैयार करते समय ऊंचाइयां और बहाव को ढलान जैसे विवरण सूचीबद्ध करके गांव के आसपास उपलब्ध सभी बारहमासी जल स्रोतों का पता लगाना जरूरी है। बहाव का पता लगाने के लिए सभी बारहमासी जल स्रोतों के लिए स्थायी प्रवाह माप की व्यवस्था की जा रही है।
व्यक्तिगत स्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिए बोरवेल आधारित योजना पर निर्भर सभी गांवों के लिए जल नेटवर्क को एकत्रित किया जा रहा है। स्रोत स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बोर के पास भूजल पुनर्भरण संरचना का निर्माण किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन गुरुत्वाकर्षण आधारित जल आपूर्ति प्रणाली का निर्माण को वरीयता देता है क्योंकि यह O&M लागत को कम करता है। केवल उन स्थानों पर पंपिंग योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है जहां पेयजल का अन्य कोई और विकल्प नहीं है। हमें इसके बारे में और विस्तार से बताओ ना चाचा। हाँ चाचा, क्या जल जीवन मिशन का लाभ हमारे स्कूल को भी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुम्हारे स्कूल को ही क्यों, अन्य विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा आश्रम शालाओं वाली सभी संस्थानों को इसका लाभ मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। यह प्रशंसनीय है कि भारत के कई राज्यों में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घरों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। गोवा और तेलंगाना इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी इस कार्य को तेज गति से चलाया जा रहा है। देश में हर गांव तक पेयजल पहुंचे इसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक टीम, ग्राम पंचायतें, ISA, SHG, यूनिसेफ और अन्य अनुपूरक संस्थाएं जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार लोगों को जल संरक्षण के लिए समर्पण भावना से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। वास्तव में जल जीवन मिशन हमारे सामर्थ्य को उपयोग में लेने का सुनहरा अवसर है। हम जल जीवन मिशन को सही मायने में कार्यान्वित करके गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस संबंध में विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा आश्रम शालाओं में बच्चों को स्वच्छ जल सुनिश्चित कराने के लिए पीने योग्य नल जल तथा मध्याह्न भोजन हेतु खाना पकाने और COVID-19 से बच्चों को बचाव हेतु हाथ धोने तथा शौचालय प्रयोग के लिए नल से पानी का प्रावधान करने हेतु 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अब तक 5.10 लाख से अधिक ग्रामीण विद्यालयों और लगभग 4.56 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को नल के जरिए पेयजल आपूर्ति शुरू हो गई है। विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा आश्रम शालाओं में पाइप के जरिए पेयजल सुनिश्चित होने से यह आशा की जा रही है कि इससे बच्चों के समग्र विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा आश्रम शालाओं में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए गति और बड़े पैमाने पर कार्य करना होगा। जल जीवन मिशन एक विकेंद्रीकृत मांग संचालित तथा समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम होने के नाते जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन तथा रखरखाव में स्थानीय लोगों की मुख्य भूमिका बहुमूल्य सिद्धांत है। जल प्रबंधन को सबका कार्य बनाने के लिए अनेक शेयरधारक इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। मिशन का लक्ष्य है कि गांव में लंबे समय तक पानी की सप्लाई मुहैया कराई जा सके। इसके द्वारा सबकी भागीदारी तय करते हुए गांव के लिए जल आपूर्ति योजना बनाई जाए। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को परिणाम अनुमुख बनाने और उनकी क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि वे नियमित प्राचलन एवं रखरखाव के जरिए जल आपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने में सक्षम हो सके, जिससे स्थानीय जन उपयोगिता के रूप में कार्य हो सके।
इसके अलावा प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके जल गुणवत्ता की जांच के लिए प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव में प्रभावी समुदाय को जुटाया तथा IEC अभियान शुरू किया जा सकता है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए नियमित समीक्षा, निगरानी तथा कार्य सुधारों की पूर्व अपेक्षा होती है। यह कार्य करने के लिए आंकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि यह सूचना सटीक रहे। इस प्रयोजन हेतु तथा पारदर्शिता लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के अच्छे कार्यों पर प्रकाश डाला जाए, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड बनाया गया है। हम सभी को नियमित रूप से इस डैशबोर्ड की जांच करनी है और वास्तविक आधार पर अद्यतन करना है। जल जीवन मिशन डैशबोर्ड मिशन के कार्यान्वयन से संबंधित सभी संगत आंकड़ों को कैप्चर करता है, अतः आंकड़ों की प्रविष्टि को प्रमुख महत्व देना है और इस कार्य को कर्मठता पूर्वक करने के लिए सभी क्षेत्रीय इकाइयों को सुग्राही बनाया जाना चाहिए। सरकार ने गांव में सुनिश्चित जलापूर्ति और उन्नत स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान की है, अतः पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल रिसाइकलिंग और स्वच्छता एवं ODF स्थिति को बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 में RLB को 60,750 करोड़ रुपए के अन्नदान का 50% आवंटन किया है। यह प्रोग्रामी कदम वास्तविक रूप से वर्ष सेवाएं सुनिश्चित करने में बेहतर परिणाम प्रदान करेगा और इसे जीवन की गुणवत्ता के रूप में निर्धारित किया गया है। इस अन्नदान के उचित उपयोग के लिए प्रयास करने हैं और वर्षा जल संचयन, पेयजल स्रोतों को मजबूत बनाने, जल आपूर्ति सुधार, ग्रे वाटर प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना है। तो तुम लोग समझ गए ना सब कुछ बच्चों? हाँ चाचा, हम सब कुछ समझ गए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, मुझे जरा कुछ काम है। ठीक है चाचा। चलो वंदे, हम लोग यमुना चाची के यहाँ चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे नन्ही वंदे, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम राजू चाचा। वाह, आज तो बहुत दिनों बाद तुम दोनों मिले। आप भी तो बहुत दिनों के बाद ही मिले राजू चाचा। हाँ राजू चाचा, माँ तो बता रही थी कि आप रोजगार के लिए शहर जाएंगे। हाँ जाना तो शहर ही था, लेकिन अब जब जल जीवन मिशन और मनरेगा के तहत गांव में ही काम मिल रहा है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत मनरेगा से काम मिलेगा, वो कैसे चाचा? अच्छा चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है। जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीणों तक पेयजल को पहुंचाने के साथ साथ पेयजल की सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। पेयजल की स्वच्छता के लिए जल जीवन मिशन को स्वच्छ भारत के साथ जोड़ा गया है। सरकार की कोशिश है कि जल जीवन मिशन के सहारे जहां एक तरफ गांव-गांव में पेयजल की कमी का संकट दूर हो, वहीं लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले। लोगों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने इस मिशन को मनरेगा और अन्य सहायक अभियानों के साथ भी जोड़ा है। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्तर को एक नया स्वरूप प्राप्त होगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग अनुदान और ग्रामीण भारत में जल एवं स्वच्छता क्षेत्र पर इसका प्रभाव। ग्रामीण वासियों व जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए उन्हें पीने योग्य पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है।
इसके परिणाम स्वरूप बेहतर गुणवत्ता और रोग मुक्त जीवन सुनिश्चित हुआ है और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए जल जीवन मिशन की घोषणा की है। 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के कार्यों के तहत सूचीबद्ध 29 विषयों का प्रबंधन करने की शक्ति मिली। पेयजल एवं स्वच्छता उन बुनियादी कार्यों में से है जिन्हें PRI सभी स्तरों पर प्रतिबंधित करता है और सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इस भावना के अनुसरण में क्रमिक वित्त आयोग ने राज्यों को निधियों के आवंटन में क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्तरों के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में जल आपूर्ति और स्वच्छता की पहचान की है और इस क्षेत्र को सशर्त अनुदान के रूप में 30,375 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो RLB के कुल अनुदान का 50% है। इस अनुदान का उपयोग PRI द्वारा दो घटकों के लिए 50:50% के रूप में किया जाना है, अर्थात स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पंचकरण, जल संरक्षण। इस अवसर का बेहतर उपयोग करने और वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों के बेहतर अभिसरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने मार्च 2020 में सभी राज्यों को संयुक्त रूप से परामर्श जारी किया गया है। परामर्श में पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलापों की सूची दी गई है। भारत सरकार ने भी पंचायती राज मंत्रालय एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद जुलाई 2020 में राज्यों को इस सशक्त अनुदान की पहली किश्त जारी की है। जल जीवन मिशन में जल आपूर्ति की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और प्रचालन व रखरखाव में ग्राम पंचायत और इसकी उप समिति के सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के प्रबंधन के अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए ग्राम पंचायतों और इसकी उप समितियों जैसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, पानी समिति आदि को सशक्त बनाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत घरेलू स्तर पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पेयजल उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। जल जीवन मिशन में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों के लिए एक सूत्रधार की भूमिका निभानी है और एक बार उनके द्वारा पूर्ण की गई पाइप जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन और प्रबंधन के लिए स्वामित्व को हस्तांतरित करना है। जल जीवन मिशन के लक्ष्य को साकार करने के लिए इस 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान को समाहित करने और बेहतर उपयोग करने के लिए ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर व्यापक संभावनाएं हैं। प्रभावी और कुशल तरीके से कार्य निष्पादन करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ग्राम पंचायतों और VWSC के लिए एक सरल भाषा में मार्गदर्शन भी जारी की है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीण जल जीवन मिशन की विशेषताएं। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य है सभी ग्रामीण घरों तक घरेलू कार्यशील नल कनेक्शन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्थानीय जल संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। जल जीवन मिशन प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्रों तक भी पानी के कनेक्शन उपलब्ध किए जाएंगे। जेजेएम स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए पाइपलाइन जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास करना है। ग्रामीण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में बल्क वाटर ट्रांसफर पाइपों द्वारा वितरण नेटवर्क को स्थापित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में जल में जल गुणवत्ता की समस्या है, वहां ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत प्रदूषण के निवारण हेतु प्रौद्योगिकीय मध्य परिवर्तन की व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी। राज्य के जिला क्षेत्र में जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो तुम लोग समझ गए ना अब? हाँ चाचा, हम समझ गए। राजू चाचा, लेकिन मैं सोच रहा था कि हमारे देश में पेयजल की समस्या आखिर है क्यों? हाँ राजू चाचा, क्या हमारे देश में जल संसाधनों की कमी है? जल संसाधनों की कमी से ज्यादा बड़ी समस्या जल का दोहन है नन्नी। हमारे यहाँ लोग आमतौर पर पेयजल संरक्षण को लेकर सतर्क ही नहीं है। हमें पेयजल संरक्षण के बारे में बताइए ना चाचा। हाँ हाँ ठीक है, रुको मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। पेयजल संरक्षण और जल जीवन मिशन। जल संरक्षण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बचपन से ही हम कुछ ना कुछ पढ़ते, लिखते व सुनते आए हैं। जल है तो कल है का नारा चारों तरफ सुनाई देता है, लेकिन धरातल की तस्वीरें भयावह है। आज जिस तरह से जल बेवजह बर्बाद किया जा रहा है, उससे आने वाले कल में बड़ा जल संकट उत्पन्न होने वाला है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जल पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है, जो सभी जीवों के जीवन का आधार है। वैसे तो धरती का लगभग 3/4 भाग जल से ही घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% ही है। इस 3% पेयजल का बड़ा हिस्सा ग्लेशियरों एवं बर्फ की चट्टानों के रूप में जमा हुआ है। इसलिए सही मायने में तो केवल 1% पानी ही पेयजल के रूप में उपलब्ध है। आज तेज गति से हो रहे नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रदूषण को गंभीर स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। मानवीय लापरवाहियों का परिणाम है कि आज धरती पर जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जल के संचय के अभाव में तेजी से हमारी धरती अब सूखती जा रही है। भारत के कई जगहों पर जहां कल तक पानी से लबालब भरे तालाब, नदी और पोखर थे, आज वहां लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों को पानी की तलाश में दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। हमारा जीवन पूरी तरह से जल पर आधारित है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 80% तक जल होता है। विशेषज्ञों और डॉक्टरों के मुताबिक एक दिन में हमें कम से कम 8 गिलास यानी कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए। आइए समझते हैं कि आखिर स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता क्यों है।
हमारे शरीर के लिए ये किसी वरदान की तरह है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे हार्मोन्स और न्यूट्रिशन बढ़ाने में सहायक है, ऑर्गन्स और टिश्यू बनाने में सहायक है, शरीर से अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करने में सहायक है, बॉडी टेम्परेचर को संतुलित रखने में सहायक, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में सहायक, जॉइंट को लुब्रिकेट्स रखने में सहायक। आमतौर पर साफ दिखने वाला पानी कई जहरीले रसायनों से भरा हो सकता है, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, कॉपर, क्रोमियम, मर्करी, क्लोरीन, फार्मास्यूटिकल्स, पेस्टिसाइड्स। यह रसायन हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। शरीर में इनकी अधिक मात्रा कई तरह की बीमारियों को बढ़ाती है। ग्रामीण आबादी तो अक्सर दूषित पेयजल के दुष्परिणामों से प्रभावित होती है। दूषित जल के सेवन से बहुत खतरा हो सकता है। पोलियो, पीलिया, मियादी बुखार, हैजा, डायरिया, क्षय रोग, पेचिश, इंसेफ्लाइटिस जैसे खतरनाक रोग होते हैं। बहुत तेजी से हो रही जंगलों की कटाई के कारण वर्षा चक्र भी खराब हुआ है और बरसात में भारी कमी आई है। नदियों, तालाबों आदि में बेरोक टोक प्लास्टिक, कूड़ा कचरा डालने एवं कारखानों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ने से वो अशुद्ध और जहरीले हो गए हैं। आज जिस स्तर पर इन जल संसाधनों को प्रदूषित किया जा रहा है, संभव है कि आने वाले कुछ दशकों में इनका अस्तित्व ही ना रहे। भूजल का गिरता स्तर हमें लगातार खतरे की घंटी की तरफ इशारा कर रहा है। इस समस्या का समाधान जल संरक्षण से ही हो सकता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी छत से आते वर्षा के पानी को एकत्र करके कुछ सीमा तक जल की समस्या का निदान किया जा सकता है। भारत देश में जिस प्रकार शौचालय निर्माण अभियान में पंचायतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी तरह उन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लोगों के सहयोग से ही वर्षा जल संरक्षण हो सकता है। भाई और बहनों, हमें वर्तमान की स्थिति को बदलना भी है और भविष्य के संकटों का अभी से समाधान भी तलाशना है। इसलिए हमारी सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियां और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। वर्षा के जल को व्यर्थ बह जाने से रोककर भूमिगत जल के स्तर में सुधार किया जा सकता है। इससे पानी की कमी दूर होगी। सरकारी व खाली पड़ी जमीनों पर तालाब खोदकर जल संरक्षण का काम हो सकता है। वहीं अन्य जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें जन सहयोग की भी आवश्यकता है। मात्र सरकारी योजना बन जाने से ही समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता।
जल संरक्षण की दिशा में ग्राम पंचायत क्या कदम उठा सकती है? जल संसाधनों को बचाने एवं हर घर तक जल पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतें कुछ कार्य कर सकती है, जैसे नदियों, तालाबों आदि को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नियम बनाना, नियम न मानने पर दंड देना, जलाशयों की समय समय पर साफ सफाई करवाना, जल की शुद्धता की जांच करवाना, ड्रिप सिंचाई के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, स्कूलों में जल संरक्षण से जुड़ी प्रतियोगिताओं को आयोजित कराना, गैर कानूनी रूप से खनन एवं जंगलों की कटाई पर रोक लगाना, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जल जागृति के मुद्दों पर बैठक का आयोजन करना, पानी की कमी से निजात पाने के लिए योजनाएं बनाना। ध्यान रहे कि पंचायत प्रतिनिधियों का काम गांव में लोगों को जल संचय के लिए जागरूक करना भी है। पंचायत को कुंडों, तालाबों, जलाशयों आदि का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे बरसात के पानी को एकत्रित किया जा सके। ऐसा करने से निश्चित रूप से जहां जल संकट है वहां पानी की कमी की समस्या कम हो सकेगी। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जल को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि जल हम सबका है। आज इस जिम्मेदारी से भागने का अर्थ है कि हम अपने भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से मुंह फेर रहे हैं। हाँ चाचा, आप सही कह रहे हैं। आज से हम भी जल संरक्षण करेंगे। चाचा, जल जीवन मिशन से और किस किस तरह के लाभ हमारे गांव को मिलेगा? आज तो तुम लोग सब कुछ जानकर ही जाओगे, मतलब अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जल जीवन मिशन के लाभ। ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध होने से महिलाओं एवं बालिकाओं को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा और उन्हें पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं जाना होगा। इस मिशन की सहायता से स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, घर में पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर पेयजल से संबंधित बीमारियां कम होगी, जल से संबंधित सभी समस्याओं से जल जीवन मिशन के अनुसार ग्रामीण परिवारों को मुक्ति मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र के परिवार इस मिशन के माध्यम से स्वच्छ एवं ताजा जल को नल के रूप में प्राप्त कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए बच्चों को मिशन के तहत जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत गांव में पेयजल के स्रोत के साधन में वृद्धि होगी। 19,17,20,832 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन की सुविधा से लाभान्वित किया गया है। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ कहा जाता है एक पंथ दो काज, लेकिन आज जो योजनाएं बनाई जा रही है वहां तो एक पंथ अनेक काज, उनसे अनेक लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे
गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। यही नहीं, इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। पशुओं को साफ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहें और किसान को, पशुपालक को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। जी राजू चाचा। जल जीवन मिशन की सहायता से तो कितना कुछ अच्छा हो जाएगा ना वंदे। हाँ, हमारे गांव की तो तस्वीर ही बदल जाएगी नन्ही। हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ हाँ, तुम लोग ठीक कहते हो, जल जीवन मिशन से चहुमुखी विकास हो जाएगा। हालांकि इस काम को करने में कई तरह की परेशानियां भी आती है। किस तरह की परेशानी चाचा? अरे बहुत तरह की परेशानियां बेटा, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जल जीवन मिशन और चहुमुखी विकास। जीवन की मूल आवश्यकताओं में से एक पेयजल है और ये पेयजल आज करोड़ों घरों तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रभावी तौर पर तस्वीरें बदल रही है। घर की हर एक गली में, हर एक घर में जो है पाइप का कनेक्शन हुआ है और उसके ऊपर टैप लगी हुई है। लोग पानी को यूज करके पानी भर के उसको टैप को बंद कर देते हैं। गांव का जो वेस्ट पानी है वो एक पॉइंट से होकर उसकी फिल्टर होकर उसको पहुंचाया जाता है। घरों में पेयजल के पहुंचने से पानी की तलाश में महिलाएं अब मीलों पैदल नहीं चल रही। पेयजल के अभाव में सामाजिक कार्यों में अड़चने नहीं आ रही। तो यहाँ पे जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जिसमें मोदी जी का स्कीम है कि हर घर घर पानी पहुंचाना है। काम भी बहुत अच्छे से स्पीड में हो रहा है। हमें उम्मीद है कि एक दो महीने में ये काम खत्म भी हो जाएगा और हर घर घर में पानी पहुँच भी जाएगा। वहीं जो युवा कल तक पेयजल के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे, वो आज खुशी से स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। हालांकि भौगोलिक विविधताओं से भरे भारत जैसे विशाल देश में हर घर तक पेयजल पहुंचाना अपने आप में चुनौती है, लेकिन हजारों लोगों की बेहतर योजना, कार्यकुशलता, लगन और संकल्प शक्ति इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल हर घर नल के सपने को साकार करते हुए हम जल योद्धा शहरों के साथ साथ दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में पाइपलाइनों द्वारा पेयजल पहुंचा रहे हैं। पानी के लिए यहां की बहनों बेटियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। एक समय था जब पानी का कनेक्शन पाने के लिए ही कई कई दिनों तक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। पाइपलाइनों को बिछाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खड़ी पहाड़ियों पर बसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां न सड़कें हैं न संचार के अन्य साधन, वहां इस काम को करने के लिए जल योद्धा दिन रात लगातार काम करते हैं। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए चौकन्ना रहना आवश्यक है। बर्फीले क्षेत्रों में उप तापमान के कारण कुछ ही घंटों में बर्फ की परत जम जाती है, इसलिए यहां पाइपलाइन बिछाने के काम को साप्ताहिक छुट्टी या अन्य विश्राम आदि कारणों से रोका नहीं जा सकता। अत्यंत विकसित शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन, सीवर पाइपलाइन या अन्य केबल तार होते हैं, इसलिए जल पाइपलाइन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इससे इन्हें नुकसान ना हो। जल के पाइपलाइन में जरा सी लीकेज बड़ी बीमारियों को दावत दे सकता है, इसलिए इन्हें कसते, जोड़ते और बिछाते समय लीकेज की समस्या पर विशेष फोकस किया जाता है। बहुत बार तो पाइपलाइनों का रास्ता घने जंगल से होता हुआ शहरों की तरफ आता है। इन जंगलों में पाइपलाइन डालना जिम्मेदारी भरा काम है। अतः इस कार्य को करते वक्त हमारे जल योद्धाओं को यह ज्ञात होता है कि हमारी इकोलॉजी सैकड़ों जीव जंतुओं का आवास स्थान है। हमारा प्रयास होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए इस काम को किया जाए। भारी बरसात, भीषण गर्मी
और कपकपा देने वाली ठंड भी पाइपलाइन बिछाने के चालू काम में बाधा नहीं बन पाती है। पता है बच्चों, हम तो जल जीवन मिशन के महत्व को समझते हुए ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी करते हैं। जिस पानी को बेकार समझ लोग फेंक देते हैं, हम उसका दोबारा उपयोग करते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट वो क्या होता है चाचा? ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी क्या जल जीवन मिशन का ही भाग है? हाँ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी उसी का भाग है। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। जल जीवन मिशन और ग्रे वाटर मैनेजमेंट। गांव के सरपंच को गांव के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। पारंपरिक जल स्रोत सूख रहे हैं और कई नलकूप गांव की पानी की मांग को पूरा करने में विफल हो रहे हैं। कई भारतीय गांवों में ये बहुत सामान्य सी बात है। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि जमीनी और सतही दोनों स्रोतों से पीने योग्य मीठे पानी की उपलब्धता दिन ब दिन कम होती ही जा रही है और जो भी उपलब्ध है वह तेजी से दूषित हो रहा है। यह पानी के पुनः उपयोग जल प्रदूषण को कम करने और जल निकायों के प्रदूषण को कम करने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से ध्यान केंद्रित करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को सही ठहराता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अशोधित घरेलू अपशिष्ट जल की विशाल मात्रा, जिनमें सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए एक अच्छी क्षमता है, उसके पुनः चक्रण से जल संकट को दूर करने का एक व्यावहारिक अवसर खुल जाता है। भारत में ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने वाला लगभग 65-70% पानी उपयोग के बाद ग्रे वाटर में बदल दिया जाता है। ग्रे वाटर अपशिष्ट जल है, यह मूल से मुक्त होता है। अधिकांश ग्रामीण घरों में ग्रे वाटर में से शरीर के तेल, गंदगी तेल और वसा और साबुन, डिटर्जेंट का रसायन जैसे सोडियम, फास्फेट, बोरान, उमेनिया, नाइट्रोजन होते हैं। ग्रे वाटर में शरीर और कपड़ों से धोए जाने वाले बैक्टीरिया, परजीवी और अन्य रोगजनक जीवाणु भी होते हैं। ये अजैविक रासायनिक तत्व ग्रे वाटर को एक आशाजनक उर्वरक बनाते हैं। ग्रे वाटर का उचित उपयोग कृषि के लिए जमीन और सतह के जल स्रोतों के पुनः भरण और अन्य गैर लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। आपको इतना कुछ कैसे पता है चाचा? अरे ये सब मुझे मेरे बेटे ने बताया। उसने ये भी बताया कि जल जीवन मिशन के बारे में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 01123627 05 पर कॉल कर सकते हैं। क्या ईमेल के सहारे भी जानकारी मिल सकती है चाचा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। njjm.ddws@gov.in पर ईमेल करके भी हम लोग हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वाह चाचा, आज तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ बेटा, चलो मेरे साथ बोलो। वही जनप्रतिनिधि है ज्ञानी, जिसने जल की महिमा पहचानी, पेयजल को बचाएंगे, भारत को महान बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।